यहाँ तक अगृहीत मिथ्यात्व पूरा हुआ। अब गृहीत मिथ्यात्व को बतलाते हैं। तो गृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा पहली पंक्ति में, उसके बाद कुगुरु का स्वरूप, ये दोनों को मिलाकर एक छंद, छंद नंबर 9 और छंद नंबर 10 की पहली पंक्ति देखते। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे चेह बाहर धन अंबर ते सनेह धारे कुलिंग लहि महत भाव जी कुगुरु जन्म जल उपल नाव। सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा। जी कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। जी अर्थात जो, कुगुरु अर्थात मिथ्या गुरु खोटे गुरु, कुदेव अर्थात मिथ्या देव की और कुधर्म अर्थात मिथ्या धर्म की शिव सेवा करता है। वह जीव क्या करता है? वह चिर बहुत लंबे काल तक दर्शन मोह अर्थात मोहिनी कर्म में, जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है, उस मिथ्यात्व नाम के कर्म को एव ही पोषे पुष्ट करता है। जो जीव खोटे गुरु खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है, वह जीव अपनी दर्शन मोहिनी को ही पुष्ट करता है। ये मिथ्यात्व कर्म संपूर्ण कर्मों का राजा कहा जाता है। इसकी उत्कृष्ट स्थिति है 70 कूड़ा कूड़ी सागर। कोई जीव इन मिथ्यात्वी देवी देवताओं में ही लगा रहे तो 70 कूड़ा कूड़ी सागरों तक मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। अब आगे क्रमशः इन तीनों के स्वरूप को आदरणीय पंडित जी साहब बतलाते। तो सबसे पहले कुगुरु, अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सनेह धारी कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जी अर्थात जो, अंतर अंतरंग में भीतर से रागादिक अर्थात राग तो इस आदिक दोषों को धरे धारण करते हैं और बाहर ऊपर प्रत्यक्ष में धन अंबर ते, धन और अंबर मतलब कपड़ों से आदिक परिग्रहों से स्नेह अर्थात स्नेह रखते हैं, प्रेम और आसक्ति रखते हैं। और क्या करते? और महत्वभाव महात्मा पने को लही पाकर कुलिंग खोटे खोटे भेषों को धरे धारण करते हैं। ते कुगुरु भी कुगुरु कहलाते हैं। और भी कुगुरु कैसे हैं? जन्म जल उपल नाव, जन्म जल मतलब संसार रूपी समुद्र में उपल नाव पत्थर की नाव के समान है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इन पंक्तियों का। गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा, इससे ही दर्शन मोहिनी कर्म पुष्ट होता है। कुगुरु कैसे हैं? अंतर रागादिक धरे जेह, जो अंतरंग में राग और द्वेष को धारण करते हैं। बाहर धन अंबर ते सनेह, और बाहर से रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा वस्त्र आदि से स्नेह रखते हैं।
और धारे कुलिंग लही महत भाव। महात्मा पने को प्राप्त करके विविध प्रकार के खोटे लिंग धारण करते हैं, कहीं बाल बढ़ाएंगे, कहीं जूट बढ़ाएंगे, कहीं अन्य प्रकार के वस्त्र आदि धारण करके, माला आदि धारण करके और विविध प्रकार से कुलिंगों को धारण करते हैं। ते कुगुरु पे कुगुरु कैसे हैं? जन्म जल समुद्र संसार रूपी समुद्र में उपल नाव पत्थर की नाव के समान हैं। अर्थ देखते, जो खोटे गुरु खोटे देव और खोटे धर्म की सेवा करता है वह हमेशा दर्शन मोहिनी कर्म को ही मजबूत करता है। वह अपने मिथ्यात्व को ही बढ़ाता चला जाता है और उस मिथ्यात्व के कारण ही संसार में घूमता चला जाता है। सबसे पहले ये कहा था कि संसार में घूमने का कारण क्या, तो उन्होंने लिखा था ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण, ये मिथ्या दर्शन इसके पोषण से जीव यहाँ घूम रहा है। और इसका पोषण किससे होता है? इसका पोषण होता है खोटे गुरु खोटे धर्म और खोटे देव की सेवा करने से। जो भीतर मन में राग द्वेष भाव करते हैं, खोटे गुरु कैसे हैं? जिनके अंतरंग में तो राग द्वेष भरा है, वीतरागता को जो जानते नहीं, जिन्हें वीतरागता से कोई तात्पर्य नहीं, जो आत्मा के स्वरूप को समझते नहीं, ऐसे वे राग और द्वेष में लगे हुए हैं। अच्छा बुरा बस इसमें ही उनका जीवन बीत रहा है। और बाहर में क्या करते? धन धान्य वस्त्र आदि से ममत्व रखते हैं, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा भीड़ यही सब उनका कार्य है। स्वयं को बड़ा मानकर खोटा भेष धारण करते हैं, बेकुगुरु अर्थात खोटे गुरु कहलाते हैं। ये कैसे हैं? जो संसार रूपी जल में समुद्र में तैरने के लिए पत्थर की नाव के समान हैं। कैसी ये पत्थर की नाव? जो स्वयं तो डूबती ही है और साथ में उस पर बैठने वाला भी डूब जाता है। ऐसे ये कुगुरु हैं जो इनकी सेवा करते हैं, ये तो स्वयं भी डूबते हैं और सेवा कराने वाले को भी डुबो देते हैं। इसलिए अच्छी तरह दृढ़ श्रद्धा नहीं बनना कि गुरु कैसे होते हैं, निरग्रंथ दिगंबर वीतरागी। बहुत सुंदर लक्षण बनाया। क्या लक्षण बनाया? लक्षण बहुत सुंदर है कि वह कभी भी पंच इंद्रिय के विषयों में विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो पंच इंद्रिय के विषयों की आशा से अतीत अर्थात रहत तो हो गए हैं, जो निरारंभ अर्थात घर गृहस्थी मकान दुकान व्यापार से रहत हैं, जो अपरिग्रही अर्थात जिनके पास कोई भी परिग्रह रुपया मोबाइल पैसा टीवी कपड़ा बीवी कुछ भी नहीं है, निरारंभो परिग्रह अपरिग्रही हैं। और करते क्या हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस, जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं वे ही सच्चे गुरु हैं, इनके अलावा और कोई गुरु नहीं। इनके अलावा यदि हमने किसी को गुरु माना तो हमने अपने मिथ्यात्व को ही पोषण किया। अच्छी तरह आज इसको निर्णय करना, गुरु कौन और गुरु कौन नहीं। जितने भी जीव वस्त्रधारी हैं वे हमारे गुरु नहीं। क्या बहुत अच्छी तरह आज दृढ़ बनना है, वरना हम आपके घर पहुँचें और आपके घर देखें एक चित्र लगा है, ये कौन है? ये तो हमारे गुरु हैं
और दूसरे दिन लौट कर हम आए, टीवी टेलीविज़न खोला और देखा साहब गड़बड़। ऐसी गड़बड़ी नहीं करना, अपनी श्रद्धा इतनी मजबूत और दृढ़ और शुद्ध बनानी है कि जिसके बल पर हमें संसार समुद्र से तैरना है, डूबना नहीं, वरना हम ऐसी नाव में सवार हो जाएं जो स्वयं भी डूबे और हमको भी डुबो दे। टीवी खोलकर बैठे हैं और टीवी पर प्रवचन सुनते सुनते बड़ा राग हो गया। हाँ, ये बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पर्स में 100 रुपये रखो तो धन वृद्धि होगी। ये बोलते हैं समोसे में ये वाली चटनी डाल के खाओ तो धन बरसेगा। और आप हंस हंस के मजाक कर कर के अपना मिथ्यात्व बढ़ाते हैं। किसी को बात जम गई, अरे होता क्या है पर्स रखने से, और पर्स रखना शुरू कर देता। धीरे धीरे रुपया पैसा बढ़ा, उसकी मिथ्या धारणा बढ़ती चली जाती है। मिथ्यात्व एक ऐसी बीमारी है, कोरोना से भी खतरनाक। एक को कोरोना हुआ, पूरे मोहल्ले को ले डूबा। ऐसी मिथ्यात्व की बीमारी है कि एक को ये मिथ्यात्व छुआ और 2 रुपये का उसको फायदा हुआ और उसने मोहल्ले में जाके 4 की 6 बना के कहना शुरू कर दी, और उसे पूरा समाज उस मिथ्यात्व के घेरे में फंस गया। कोई आया, उसने आपका एक पेन निकाला, एक कॉपी निकाला, उसमें लिख दिया आपका नाम श्रीमती आवा जी, आप फलाने गांव में रहती हैं, पिंक कलर की स्वेटर पहनती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, और उसने सारा पर्चा बना के दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो उसने आपका पर्चा बना दिया, आप हमें ये बताओ उसके पर्चा बनाने से आपका क्या फ़ायदा, आपको क्या लाभ होगा? आपको कोई लाभ नहीं। क्यों? अरे आपके पुण्य और आपके पाप आपको भोगने पड़ेंगे। वो पर्चा बनाने वाला किसी के पुण्य पाप काटने नहीं आएगा, बल्कि जो मार्ग उनके द्वारा बतलाया जाएगा उस मार्ग पर आपका संसार ही वृद्धि को प्राप्त होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप स्वयं अच्छी तरह निर्णय करो, क्या यदि इन सब बाबाओं में या इन सब खोटे देवी देवताओं में शक्ति थी, ताकत थी, तो कोरोना काल में कहाँ थे? पूछो, अपने हृदय पे हाथ रख के अपने हृदय से पूछो कि हे आत्मा, ऐसे बोलो अपने आप को, अपना अपना नाम लेकर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बोलो अपना नाम कि हे आत्मा ये बताओ, जब कोरोना का काल आया था, चारों तरफ महामारी पड़ी थी, लाखों लोग एक एक क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तब ये देवी देवता, खोटे गुरु, ये तंत्र, ये मंत्र, ये विद्याएं बतलाने वाले ये ढोंगी कहाँ थे? बोलो, कोई नहीं आया, बल्कि ये इनको खुद डर लग रहा था कहीं मैं जनता के बीच गया तो मैं ही ना चंपेट में आ जाऊँ कोरोना की, और ये सब अंडरग्राउंड हो गए। आज जब कोरोना का माहौल चला गया, सब पुनः अपनी प्रस्तावना बनाकर भीड़ भाड़ इकट्ठा करने में लग गए। ये कहलाती है खोटी श्रद्धा। हमारा दिमाग क्या कर रहा है? हमारा दिमाग भीड़ भाड़ को देखकर और उस ओर भीड़ की ओर आकर्षित हो रहा है। इसलिए हमें भीड़ के आकर्षण में धर्म नहीं बेचना है, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना। भीड़ के आकर्षण में अपनी श्रद्धा नहीं बेचना है। हमारे भैया जी बहुत अच्छा पढ़ाते, आज से तो हम उनको ही गुरु मान लेते, नहीं, जीवन भर याद रखो जिनके शरीर पर एक धागा भी है वो हमारे गुरु नहीं। क्या निर्णय बनाना, जिनके शरीर पर एक धागा भी है, जिनके पास एक मोबाइल फोन भी है, वे हमारे गुरु नहीं। वे कौन है? वे तो सामान्य संसारी जीव हैं। हाँ, जिनसे आपने ज्ञान पाया वे आपके शिक्षा गुरु हैं, खूब उनकी विनय करनी है, आदर करो, उनका सम्मान करो, लेकिन कभी उन्हें अपना गुरु नहीं मानना। शिक्षा गुरु अलग विषय और सुगुरु अलग विषय। मोक्ष मार्ग के विषय में मिथ्या अवधारणा 1 इंच भी नहीं आनी चाहिए।
पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज स्पष्ट रूप से जिन शासन का उद्घोष करने वाले आज विद्यमान हैं, तो हमको ये विश्वास हृदय में रखकर ये कहना है कि पंचम काल के अंतिम दिन तक निर्ग्रंथ गुरु इस धरती पर जयवंत रहेंगे, ऐसा आगम का वाक्य है। भगवान कुंद देव ग्रंथराज अष्टपाहुड़ में लिखते हैं, भरहम दुस्सह काले, भर हे दुस्सम काले। भरत क्षेत्र में दुस्मा नाम के पंचम काल के अंत तक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज रहेंगे। त्रिलोपन्नतिकार श्री यति विश्व महाराज लिखते हैं, पंचम काल के अंत में बीरंगज नाम के मुनि महाराज सर्वश्री नाम की आरिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निल नाम का श्रावक होगा। तो फिर हम लोग क्यों विकल्प कर रहे हैं कि ये मुनि सच्चे हैं या नहीं हैं? विकल्प नहीं करके अच्छी तरह वीतरागता की उपासना में लगें। खोटे गुरुओं से 1 किलोमीटर का अंतर बनाएं। अगर आपको पता भी चले कि आसपास में कहीं उनका कैंप लगने वाला है, कोई पंडाल लगने वाला है, तो 2-4-5 दिन के लिए दूसरे स्थान पे जाके बस जाओ। क्यों? ये ऐसी खोटी श्रद्धा का रायता फैलाते हैं, किसी एक के दिमाग में चढ़ जाए वो भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है। इसलिए कान में भी उनकी आवाज़ ना जाए तो हमारी श्रद्धा सुरक्षित बची रहे। अभी हम प्राथमिक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छी तरह कपड़ा वाला कोई गुरु नहीं होता, चाहे वो हमें पढ़ाने वाले हो, चाहे वो हमारी पाठशाला के मास्टर हो, चाहे वह हमारे मोटिवेशनल गुरु हो, चाहे वो हमारे प्रेरक मार्गदर्शक। उन्होंने आज तक आपका मार्गदर्शन किया था तो बार बार उनसे कहो, बहुत अच्छा आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लौकिक गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन हम आपको धार्मिक गुरु, पारलौकिक गुरु नहीं मानते। ऐसी श्रद्धा को मजबूत और दृढ़ बनाना है। हर एक को अपने हृदय में ये श्रद्धा सच्ची विकसित करनी है कि इन खोटे गुरुओं के चंगुल में हमको कभी नहीं फंसना। इसलिए विषय वासना से भरा हुआ ये संसार है, चारों तरफ विषय भोग की आंधी जल रही है, उसके बीच भी जिन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण की, हम सब तो उनके चरणों की धूल की भी वंदना करें तो कम है। धन्य धन्य है वे जिन्होंने इस पंचम काल में जहाँ अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धारणा सके दीन संसारी। ऐसी दशा में भी जिन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण की, बस वे ही सच्चे गुरु हैं, उनके अलावा अन्य किसी को गुरु नहीं मानना। आज से अगर आपकी श्रद्धा में थे तो श्रद्धा को उतार कर आज सुहा करना है। घर में फोटो आदि थी तो उसको भी विसर्जित करना है। नहीं, खोटी श्रद्धा अब नहीं, बहुत भटक लिया, अब जागृति का समय है। जो होना था वो हो गया, लेकिन आज हमें अच्छी तरह दृढ़ श्रद्धा विकसित करना है और इन खोटे गुरुओं से समाज को बचाना है। जब हम स्वयं बचेंगे तब तो आगे मार्ग पर आएंगे। आइए अब आगे देखते हैं कुदेव का लक्षण। खोटे देव कैसे होते, अच्छी तरह लक्षण पढ़ो। पंडित जी साहब ने पहले ही कहा, पहले सुनो, फिर अच्छी तरह जानो, फिर तजिए। पहले अच्छी तरह सुनो, लिखा क्या है, क्या कह रहे हैं, फिर आगे बतलाते। जी राग द्वेष मल कर मलीन बनीता, गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जो सेव सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जी राग द्वेष मल कर मलीन बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव
तिनकी जु सेव सट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जी जो राग द्वेष राग और द्वेष रूपी मलकरी मेल से मलिन मेले हैं, जो स्वयं राग द्वेष में लगे हुए हैं और बनिता अर्थात स्त्री तथा गदादि जुत गदा आदि त्रिशूल धनुष बाण आदि चिन्हों से चीने जाते हैं अर्थात पहचाने जाते हैं, ते वे कुदेव खोटे देव हैं। जू जो सट अर्थात मूर्ख तिन की उन कुदेवों की सेवा करत करते हैं, तिन उनका भाव भ्रमण संसार में भटकने का छेव अंतर नहीं होता। खोटे देव कैसे हैं? तो राग द्वेष रूपी मल से मलिन हैं, और जो स्वयं स्त्री गदादि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह से पहचाने जाते हैं वे कुदेव अर्थात खोटे देव हैं। उन इनकी अर्थात कुदेवों की सेवा वही अज्ञानी लोग करते हैं जो देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, अतः उनके संसार में भ्रमण का कभी अंत नहीं हो पाता। अब अच्छी तरह एक एक प्रश्न मन में उठाओ और फिर उनका समाधान ढूंढना। भैया जी आपने यहाँ पढ़ दिया, हमने सुन लिया, अब हमको तो नहीं आ रहा समझ में कि हम कैसे मिथ्यात्व छोड़ें, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। भैया जी हमारे यहाँ तो बरसों से इनकी पूजा होती आई है, हमको अब डर लगता है, क्या करें। अच्छी तरह समझें, आज तक हमने तत्व का निर्णय नहीं किया था इसलिए डर था, अब तत्व का निर्णय हो गया है अब डर समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात, आज तक हम ये नहीं जानते थे कि ये है क्या, अब हमने जान लिया। जिनका ये स्वरूप है, जो कपड़े वाले हैं, अन्न औजार धनुष तीर बाण आदि से पहचाने जाते हैं, स्त्रियां जिनके साथ लगी हुई हैं, ये सब कुदेव हैं, इसलिए आज से अब हम इनका त्याग करते हैं, इनको छोड़ने का निर्णय करते हैं, ये हमारे भगवान नहीं हैं। अच्छा भैया जी, अगर मानो हमने इनको छोड़ दिया तो फिर हमारे घर पे कोई संकट आ गया, या हमारे बच्चों को उन्होंने परेशान किया, या हमारे घर में भूख कमी लाले पड़ गए, खाने को नहीं रहा, रुपया पैसे की कमी आई, तो किसकी जिम्मेदारी। अब अच्छी तरह सुने, जो भी हमें सुख दुख मिलता है उस सबके कर्ता हमारे कर्म हैं, यहाँ देने वाला कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं, हमें किसी भगवान ने बनाया नहीं, कोई भगवान हमें चलाता नहीं, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें मार या मिटा नहीं सकती। ठीक भैया जी, हमने आपकी बात मान लिया, बहुत अच्छे से समझा रहे इसलिए समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, क्या? हमने अपनी आंखों से देखा कि उस मंदिर लोग जाते हैं और वहाँ पर कुछ प्रसाद या कुछ अन्य सामग्री चढ़ाते हैं और उनका काम बन जाता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्थान फेमस हैं, इसलिए हम तो केवल उन फेमस स्थानों को पूजते हैं, बाकी सबको नहीं पूजते। अब ध्यान से सुने, पहली चीज जो हमें मिली है वो किसी को मिलेगी, वो उसके स्वयं के लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम में साता वेदनी के उदय से मिलती है, देने वाला कोई नहीं। ठीक है, फिर किसी के यहाँ पुत्र नहीं था और किसी ने उसको सलाह दी आप वहाँ चले जाओ, वहाँ दरबार लगता है, उस दरबार में आप इतना इतना चढ़ावा चढ़ा दोगे आपका काम हो जाएगा। तो वो व्यक्ति वहाँ गया और उसने चढ़ावा चढ़ाया, उसका काम सिद्ध हो गया, आज उसके यहाँ दो बच्चे हैं। ठीक है, ये आपने सुनी ऐसी कहानियाँ? हाँ हमने कहानियाँ ऐसी सुनी। ठीक है, अब ऐसा कैसे हुआ, अब सुने। संसार में जितना मिथ्यात्व फैला है उस मिथ्यात्व की मूल कारण है धर्म को नहीं समझना, कर्म के सिद्धांत को नहीं जानना।
जब हमने अच्छी तरह ये जान लिया कि हमारे पुण्य के योग के बिना कोई दे नहीं सकता, तो किसी दरबार से मिला ये हमारा भ्रम है। नहीं नहीं भैया जी, ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो, हमने खुद देखा उनको वहीं से मिला। ठीक है, अब हम प्रश्न पूछते हैं, हम आपको एक सजेशन देते हैं, आप करके देख लो। जैसे आप लोग बैठे ना, तो आपको प्रीति जी, आपको कोई एक मन में एक वो रखनी है इच्छा, ये इच्छा हमारी पूरी करनी है। ठीक है, आप उस इच्छा को अपने मन में रख के और एक दीपक लेके और कहीं भी एक जगह पे जलाओ। ध्यान से सुनना प्रीति जी, जितने लोग आज क्लास सुन रहे हैं, लगभग 275 लोग हम हैं। ठीक है, और दो दो चार चार पांच जो अलग बैठे हैं वो मिला के लगभग 300 लोग। ठीक है, आज आपको क्या करना है, सब लोगों को अपने अपने मन में एक एक धारणा बनानी है कि हमको ये काम करना है हमारा। वो सब अपने अपने कामों को मन में लेकर और ओम अंकिताय नमः, ध्यान से सुनना, आज बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बता रहे हैं, आप करके देखना वो लाभ होगा। ओम अंकिताय नमः एक दीपक जलाना है और ओम अंकिताय नमः की 108 मालाएं फेरनी है। ध्यान से, दीपक जलाना है और ओम अंकिताय नमः की 108 मालाएं सबको फेरनी। अब हम प्रीति जी से पूछते हैं, प्रीति जी इन 300 लोगों में से कितने लोगों के काम बनने की संभावना है? चलिए प्रीति जी बताइए, कितने लोगों के काम बनने की संभावना है? जल्दी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए दीप्ति जी आप बताइए, कितने लोगों के काम बनने की संभावना है? भैया जी किसी के नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? शुभ कर्म तो जिसका उदय आएगा तो उसी के बनेंगे। नहीं नहीं, तो संभावना कितने की है? चलिए वंदना जी, चलिए हेमा जी बताएंगे। क्यों नहीं बनेगी? वो तो अचर्षि का नाम देने से बनेगी, और नहीं बनेगी। गड़बड़। चलिए अर्चना जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जिसका साधकर्मी का उदय होगा और जिसका पुण्य प्रबल होगा उसी का काम बन पाएगा, बाकी किसी का कोई भी धर्म को मानने नहीं बन पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पूरे लॉजिक फेल कर दो, यहाँ पर 50% लोगों के एक मन की कामना पूरी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अरे 300 लोग हैं, 300 में से 150 लोगों की काम तो वैसे भी बनने थे, चाहे वो काम करते चाहे नहीं करते, चाहे दीपक जलाते चाहे नहीं जलाते। ऐसे ही दुनिया में जितना मिथ्यात्व फैला है उसका मूल कारण है हमारा खुद पर विश्वास नहीं होना। हमारा खुद पर विश्वास नहीं होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ जाकर अगरबत्तियाँ दीपक नारियल प्रसाद मीठा छत्र करात करते हैं और उसके बाद हमको लगता है हमारा काम यहाँ से होगा। और उन 100 लोगों में से 1000 लोग वहाँ पर जाके ऐसा करते हैं, एक आदमी का काम बनता है और वो सारे संसार में प्रचार करता है हमारा वहाँ से काम हुआ था, तो सारे लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। अब एक आपको प्रसंग सुनाते, बहुत अच्छा, इसको सुनने के बाद आपका मिथ्यात्व जड़ से समाप्त। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसने सोचा कुछ व्यापार करूँ। वो थोड़े से कपड़े लाता, एक पोटली बनाता और दूसरे गांव में जाकर बेचता। जब वो गांव बेचने दूसरे गांव बेचने जाता, रास्ते में एक स्थान पड़ता जहां पर किसी की समाधि बनी हुई थी। वो वहां जाता, रोज उसकी सफाई करता और व्यवस्थित वहां पर अपना अगरबत्ती वगैरह करके और अपने काम पे चला जाता। रोज का उसका सिस्टम बन गया। एक दिन उसने बहुत दुखी था और दुखी दुखी होकर वह वहाँ रोने लगा। जो वहाँ का मुखिया था, प्रमुख था, उसने पूछा क्या बात है? बोले बड़ी परेशानी है, काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, मैं गांव गांव जाता हूँ, फेरी लगा के आता हूँ, बड़ा थक जाता हूँ, काम नहीं हो पाता।
अच्छा इधर आओ, तुम्हारी एक मदद करते, तुम रोज आते हो, अच्छे आदमी लगते हो, क्या करना? उसने अपने यहाँ एक गधा था, वो गधा उसको दे दिया, तुम इस गधे को ले जाओ, इस पे अपना सामान रख के वो गांव गांव लेके जाना, तो तुम्हारा काम जल्दी से होगा, आसानियाँ होगी काम में, ज़्यादा सामान ढो पाओगे तो ज़्यादा बेच पाओगे, वो गधे पर सामान रहेगा तो ज़्यादा दूर तक जा पाओगे। उसने वो गधा लिया, सामान रखा और दूर दूर तक जाने लगा, उसका माल खूब बिकने लगा, खूब अच्छी उसकी दुकान बराबर व्यवस्थित चलने लगी। क्यों? अब ज़्यादा जाने पड़ता, ज़्यादा माल लाता, ज़्यादा बेचता, फिर ज़्यादा कमाता और ज़्यादा ज़्यादा करने लगा। एक दिन महान पुण्य कर्म के उदय से, अभी आगे पता चलेगा महान कर्म का उदय कैसे, महान पुण्य कर्म के उदय से उसका गधा मर गया। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मिथ्यात्व की जड़ें कहाँ तक फैली हैं ये हमारी और आपकी। अभी ये नहीं सोचना कि भैया जी आज हम लोगों को तो डांट रहे हो, भैया जी की क्या स्थिति है, हमको क्या पता। अभी अच्छी तरह समझना, बहुत गहराई तक लेके चलना है आपको। उसका गधा यहाँ मरा, अब गधे के प्रति प्रेम तो बहुत गहरा था, उसने उस गधे को एक स्थान पर दफनाया, मिट्टी का वहाँ एक टीला बनाया, सामने थोड़े से फूल रखे और अगरबत्ती लगा दी और वहीं पास में जाके बैठ गया। वहां से हमारा नैवेद्य निकल रहा था, नैवेद्य 10th क्लास के एग्जाम थे, चलो नैवेद्य को छोड़ देते, कोई बड़ा व्यक्ति जो नौकरी ढूंढने जा रहा था, ठीक है, वो वहां से निकला, वो नौकरी ढूंढने जा रहा था। उसने बहुत सारी जगहों पर अपनी मन्नतें मांग के रखी थी, कहीं 1100 की, कहीं श्रीफल की, कहीं नारियल की, कहीं मिठाई की, कहीं दुनिया भर की। उसने सोचा एक और मांग लो, कौन सी बुराई है, आज ही नए नए भगवान प्रकट हुए हैं, आज यहाँ भी मांग लो कुछ, क्योंकि पहले तो कभी यहाँ कुछ देखा नहीं, आज ही ये टीला बना है और यहाँ पे फूल अगरबत्ती है। उसने वहाँ पर कहा, यदि मेरी नौकरी आज इंटरव्यू है, यदि मेरी नौकरी लग गई तो पहली सैलरी से सुंदर चबूतरा बनाऊंगा, बस इतना बोल के चला गया। यहाँ से पहुँचा और वहाँ जाके उसने इंटरव्यू दिया और वहाँ से उसकी ज्वाइनिंग का लेटर आ गया, बस। अब बाबा जी प्रसिद्ध, कौन सा धाम है, बहुत अच्छी तरह ध्यान दो, शांति रखो, बहुत आनंद है, किसमें, मिथ्यात्व में, कितना आनंद मना रहे हैं लोग, ये देखो। वो वहाँ से आया, सारे गांव में उसने हल्ला मचाया, यहाँ से मेरी नौकरी लग गई, यहाँ से मेरी नौकरी लग गई। जिसने सुना बड़ा आनंदित हुआ, लोग वहाँ आते, अपनी मन्नतें मांगते, चले जाते। इसको पहली सैलरी मिली, इसने बड़ा सुंदर उसका एक चबूतरा बनाया, उस पर बड़ा अच्छा टाइल्स लगाए, बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी। जब उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई तो वो जो गधे का मालिक था, उसने देखा, उसने कहा यार ये अच्छी जगह है, कुछ अपन भी काम धंधा जमा लो, लोग बड़े आते ही हैं। उसने बाजू में एक दुकान खोली, उसमें वो कपड़े बेचते ही था तो चादर लाके रख लिए, एक पोटली में उसने फूल रख लिए, एक पोटली में मिठाइयाँ रख ली, एक में अगरबत्तियाँ रख ली, यहाँ से लोग खरीदते, वहाँ जाके चढ़ाते, ये वापस जाके उठा के लाता, फिर रख लेता, यहाँ से चाहता चढ़ाता, उसका व्यापार जम गया। उसका जब व्यापार जमा तो उसे लगा कि यार ये तो घर जब हो गया। उसके मन में एक दिन ख्याल आया, यार मेरी जिंदगी तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और किसकी वजह से, एक गधे की वजह से। आज तो मैं शुक्रिया अदा करने वहाँ जाऊँगा, कहाँ जाएगा, उन गुरुजी के पास, उस दरबार पर जहाँ से मेरा काम बना, वहाँ ना मैं रोता ना मेरा काम बनता। तो बस वो उनके पास गया और उसने वहाँ पर जाके उनको पूरी कहानी सुनाई, उसने अच्छे उनके पैर पड़े, उनको सेवा की, पैसे दिए, सब किया, उसके बाद कहा ऐसा ऐसा हुआ। वो जो वहाँ का दरबारी था, जो वहाँ का मालिक था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उससे बोला एक बात बताऊँ। बोले हाँ बताइए। बोले आज तक तुम जिस दरबार पर आकर अपनी श्रद्धा चढ़ाते हो, ये उस गधे की माँ की समाधि है। तो ऐसे हम और आप ना जाने किन किन गधों की, गधइयों की समाधियों पर, ढेरों पर मस्तक पटक कर और ये सोचते हैं हमारा काम बन रहा है। जब कोई किसी को एक पैसा दे नहीं सकता,
कोई किसी का एक पैसा ले नहीं सकता, कोई किसी का स्वास्थ्य बिगाड़ नहीं सकता, स्वास्थ्य दे नहीं सकता, पुत्र दे नहीं सकता, पुत्र छीन नहीं सकता। तो ये जो सब कुछ भ्रमजाल फैला हुआ है, ये हमारी मिथ्या धारणाओं ने फैलाया है। इसलिए आज अपनी धारणा अच्छी तरह सुधार करके जितने भी खोटे देवी देवता हैं, त्रिशूल बाण आदि को धारण करने वाले, घोड़ा आदि पर बैठकर सवारियां करने वाले हैं, पत्नी आदि के द्वारा चीने पहचाने जाते हैं, राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन हो रहे हैं, इन सब की श्रद्धा को आज ही विसर्जित करना है। हमने आपको बहुत अच्छा प्रसंग सुना दिया। इस प्रसंग को आप अपने जीवन में 10 लोगों को जरूर सुनाना। 10 लोगों को यदि आपने सुनाया तो 10 में से एक की दिमाग में तो आएगा कि हमने भी अपने जीवन में ऐसा कितनी बार किया है। और हर जीव एक बार प्रैक्टिकल करने के लिए, आजमाने के लिए ऐसा करता है। और ना जाने संसार में कितने लोग हैं जो ऐसी खोटी श्रद्धा में पड़े हुए अपना समय और अपना जीवन खो रहे हैं। हमें पुण्य के योग में जिन वाणी मिली, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सहारा मिल गया, अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस मिथ्यात्व के दलदल से बाहर निकलें। अगर हम अब नहीं निकले तो अभी नहीं तो कभी नहीं, खाली हाथ है। क्योंकि अब अगर समय गया तो सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह से आज इस मिथ्यात्व को कुगुरु और कुदेव दोनों के स्वरूप को अच्छी तरह जाना है। आज कायोत्सर्ग पूर्वक शांति से बैठ के रात भर विचार करो, क्या करना, छोड़ना कि नहीं छोड़ना, ऐसी गधों की पूजा और करनी है या छोड़नी है, कहीं के पत्थरों पर, कहीं के टीलों पर, कहीं के चादरों पर, कहीं के दादाओं पर, कहीं के अन्य स्थानों पर जाकर अभी भी ढोक लगानी है, अभी भी ये श्रीफल वहाँ फोड़ना है या इसको बचा के रखना है, क्या करना, निर्णय आपका। मैं किसी को त्याग नहीं कराऊंगा। मैं तो आपको जो पंडित जी साहब ने हमें बताया वो हमने आपको बताया, अब आपका कर्तव्य कि आपको करना क्या। इसलिए आज रात विचार करना, कल हम और आप बैठकर निर्णय करेंगे कि अब क्या करना है। और भी आपकी कोई इससे संबंधित शंकाएं, जिज्ञासाएं होंगी, उनका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे।